कार टेक्निकल ब्रो में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं वीडियो जो आपका वीडियोस बनाते हैं अपन यूट्यूब के लिए, उसको हम अच्छे से एडिट करके अपने अन्य जो वीडियोस हैं या फोटोज़ हैं या उसमें कुछ आपको म्यूज़िक डालना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो हम कैसे डालेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, उसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे इसको। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए भी होम जो काम करके रखता हूँ, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो अपनी। अब देखिए इस पर आप लिख रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करें और आप किस रेशो में इसको बनानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका रेशो क्लिक कर दिया जो आप मोबाइल पे बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल पे क्योंकि अपन बना एंड्रॉयड पे रहे हैं, है ना। इसमें आ जाएंगे आप और उसके बाद आप जाएंगे वीडियो पर। ये वीडियो पे खुला हुआ है। अब आप इसमें सबसे पहले आपका इंट्रो लगाना चाहते हैं, जो भी आपका चैनल है उसका इंट्रो लगाएं सिक्वेंस से तो अच्छा लगेगा देखने में। उस पर प्लस के साइन पर क्लिक कर दें। ये तो ये आपका इंट्रो लग गया और इसके बाद जो ये देख रहे हैं कर्सर नीला, उसको आप उस इंट्रो के आगे ले आए, इससे कि स्टेप बाय स्टेप आपका काम होता चला जाए, है ना। और ये चल रहा है आपका। इसके बाद अब आपको मान लीजिए मेरे को फ़ोटो लगाना है तो फ़ोटो पे जाएंगे और फ़ोटो के बाद कहाँ पर कुछ लगाना है मेरे को तो वो उस पर आ जाए। और ऐसे मेरे को यहाँ एक ये फ़ोटो लगानी है, इस पर प्लस कर दें। उसके बाद एक और लगानी है, इसको मैं आगे कर्सर ला के प्लस कर देता हूँ। ये तो आपकी दो फोटोज़ लग गई। अब इसके बाद ये वीडियो जो आपको डालनी है, कौन सी वीडियो आपने बनाई है वो डालें। जैसे मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो मैं इस पर जा रहा हूँ। ये क्लिक किया अपन ने और ये जैसे मैंने एक बनाई थी लीजेंड इंट्रो मेकर, तो आप जो है अपना इंट्रो कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। ये मैंने प्लस कर दिया और ये आपकी वीडियो आ गई पूरी। स्टेप बाय स्टेप आप लगाते चाहिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप आराम से इस पर वर्क कर सकते हैं। और इस कर्सर को फिर ये सबसे लास्ट में इस वीडियो के पीछे लगा दीजिए। उसके बाद आप जो लाइक और सब्सक्राइब की जो आपका वो एक इंट्रो शुरू में लग गया, ये आउट्रो लगा है आपका, तो आउट्रो पे क्लिक कर देंगे या क्लिक कर दीजिए, ये आपका आउट्रो लग गया। ठीक है, ये आपकी वीडियो का सीक्वेंस पूरा तैयार हो गया। एक बार अपन इसको चला के भी देख लेते हैं कि क्या प्रेजेंट कर रहा है। ये प्ले पे स्टार्ट करें आप, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे जैसे अपन ने ये फ़ोटो भी लगाए हैं फ़ोटो से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो आपका सीक्वेंस तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरे को अब इसमें कुछ म्यूजिक भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था तो आपकी वीडियो बहुत इफेक्टिव लगती है, सुनने में भी अच्छा लगता है, तो उसके लिए अपन क्या करना है कि जो आप देख रहे हैं होम उसका सेकेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें नीचे। और ये म्यूजिक का जो फोल्डर मेरे पास में बना हुआ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। इस पर क्लिक किया और एक म्यूजिक अपन इसमें से चॉइस कर लेंगे, मान लो सपोज करिए किया और प्लस पे साइन कर दे। तो ये अब अपन को क्या है कि इंट्रो में तो म्यूजिक होती है, फ़ोटो पे भी लाना अपन को। और उसके बाद अपन ने ये इसको इस पर लगा दिया, है ना। इस पर लगाने के बाद जैसे आप इसको आगे ले आइए, इस पर लाएँ अपन और इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपका एक डिलीट का ऑप्शन आ गया और एक ही नीचे आप देख रहे हैं पेन जैसा बन गया एडिट, उस पर एडिट पर क्लिक करें। और एडिट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहा है पीछे लास्ट में सबसे, तो उसको आप क्या करना है अपन को इसलिए किया है कि जो आपकी मूवी है ये वीडियो है ये देख रहे होंगे आपके यहीं तक है ये म्यूजिक है और अपन को चाहिए इस पूरी वीडियो के नीचे, तो ये डुप्लीकेट करते जाए। देखिए अब ये डुप्लीकेट का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये डुप्लीकेट क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी भर गया। ऐसे ही आप ये तीन चार बार पाँच छः सात बार कर दें कि आपकी उस लेंथ के हिसाब से पूरे में वो डुप्लीकेट म्यूजिक पहुँच जाए। देखिए ये दिखा रहा है आपको, ये दिख रहे हैं आप, यहाँ तक आ गया है, ये चल रहा है अभी। ये देखिए अभी ज़्यादा ही हो गया, तो
तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए एक्स्ट्रा। वो अपन ने डिलीट इसलिए किया है कि इंट्रो जो है आपका, ये आउट्रो, यहाँ तक अपन को म्यूजिक नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें म्यूजिक है। अब अपन को इसको करना है थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे इसको रखें और एक बार और इसको डुप्लीकेट कर लें। ये अब मान लो सपोज करो आपको यहाँ तक ही ये म्यूजिक चाहिए क्योंकि म्यूजिक बड़ी हो गई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको आप छोटी कर लीजिए। यहाँ तक चलिए, ठीक है। अब ये सारा हो गया। अब इसके बाद आप जो आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपके जो आप बोल रहे हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ, उसके उसकी वॉल्यूम अपनी आवाज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको आप प्ले करके देख लें कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब इसमें मैं जो सुन पा रहा हूँ कि उसमें म्यूजिक ज़्यादा आ रही है, इसको अपन पॉज करेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ एडिट पे आएंगे फिर से। इसमें आप देखेंगे सेकंड वॉल्यूम का स्विच दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे वॉल्यूम आपके 100% खुली है, तो इसको आप जो है 9 या 10 पे सेट कर दें, क्योंकि बैक म्यूजिक जो होती है बहुत कम ही रखना चाहिए अपन को, तो 10 पे कर दिया अपन ने, ठीक। और इसको आप देखते हैं, अब ये बिल्कुल स्पष्ट मेरे को सुनाई पड़ रही है। तो ये आपका एक तरह से बिल्कुल वीडियो बनके तैयार हो गया है कंप्लीट, ठीक है सर। आपने देखा वो कितना जल्दी, मतलब ये टाइमली में देख रहा हूँ, 3-4 मिनट लगे इसको सारा करने के लिए। तो बस आपको सीक्वेंस बना के रखना है कि मेरे को क्या क्या रखना है, बनाना है, म्यूजिक डाल दिया आपने, अब इसको अपन को सेव करना है अपना जो प्रोजेक्ट है, उस पर क्लिक करेंगे ये एरो पर। अभी हम ये देख रहे हैं आपका कि सेव टू गैलरी एंड SD कार्ड, तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो पहले अपन इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए जो ऑप्शन आ रहा है आपका, तो इसको अपन सेव कर लें, फिर प्रोडक्ट पर नीचे क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों सेव हो रहा है आपका, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अपन थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, फिर आपको इसको बताता हूँ लास्ट में फाइनल करने के बाद। देखिए दोस्तों ये अपना डाउनलोड हो गया है कंप्लीट, दिखा रहा है। अब अपन इसको प्ले करके देखें कि अपना वीडियो कैसा बना है, ये आपके सामने चल रहा है, देखिए। अपन ने जो लगाया था इंट्रो, इंट्रो के आने के बाद जो फोटोस लगाया था, तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा वीडियोस 3-4 मिनट में आपका तैयार होता है दोस्तों, ये देखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से अपने पावर जो डायरेक्टर है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उससे आप अपना जो वीडियोस है यूट्यूब के लिए जो बनाया उसमें बड़े आराम से एडिट करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को, कि आपका ही जो कमेंट्समेंट्स भी जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए आगे वीडियो बनाएं या जो भी कमियां हो वो बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।